हेलो बच्चों, TWS परिवार में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, तो हम लोग कर रहे थे डॉक्टर मनोहरी बुक क्लास 10th के जो है अध्याय 2, जिसमें हम लोग अध्याय 2 को कंप्लीट कर चुके थे। तो अभी प्रश्नावली 2D का जो है कुछ क्वेश्चन बाकी रह गया था जिसको हमें करवाना था। तो चलिए आइए करते हैं प्रश्नावली 2D के कुछ क्वेश्चन को। तो जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर बच्चों 8 तक तो कर लिया था, ठीक है। आज उसके आगे करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, पहले देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बच्चों, कि यदि एक दिया हुआ है बहुपद, ठीक है, को बहुपद जी एक्स से भाग देने पर जो है इसका भागफल और शेषफल दिया हुआ है कि कितना आता है बच्चों। तो हमें ज्ञात करना है जी एक्स का मान, जिससे हम भाग देंगे उसका मान ज्ञात करना है बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। हम लोग देखिए जो कि स्क्रीन पे लिखा गया है पहले से ही, क्या है फॉर्मूला बच्चों, कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ये पढ़ चुके हैं हम लोग बच्चों। तो देखिए क्वेश्चन में भाज्य क्या है दिया हुआ है, भाज्य x³ - 3x² + 2x, अरे 3x² + x + 2, ये दिया हुआ है बच्चों क्वेश्चन में ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको रख देते हैं भाज्य को, और ये हमारा जी एक्स तो भाजक है ही, भागफल ऑलरेडी दिया हुआ है और शेष फल भी दिया हुआ है बच्चों -2x। तो यहाँ पे देखिए, अभी जब भी हम शेष फल को इस साइड लेकर आते हैं, ये देखिए यहाँ पे -2x था, तो यहाँ पे आके ये +2x हो गया, और ये +4 था यहाँ पे, तो यहाँ पे आके -4 हो गया बच्चों, ठीक है, ये -4 यहाँ पे हो जाता है। तो आइए अभी यहाँ पे तो ये जी एक्स और x-2 तो पहले से ही थे बच्चों, तो वो तो ऑलरेडी रहेंगे ही, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे बच्चों, देखिए कि ये 2x और x को ऐड करके यहाँ पे 3x कर दिया, ये तो सेम रहेगा बच्चों, ठीक है, ये तो सेम रहेगा कि x³ - 3x² + 3x - 2 हो गया, और ये जी एक्स और x-2 को एज इट इज लिख देंगे, ठीक है बच्चों। अभी इसको सॉल्व, अब देखिए क्या है बच्चों, ठीक है। अभी जब देख लिए यहाँ पे हम लोग, जैसे कि यहाँ पे हमें जी एक्स का मान निकालना है बच्चों, ठीक है, तो इसका हम लोग गुणनखंड कर देते हैं, इसका इस जो है बहुपद का गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड करने के लिए हमें पता है, अभी मैं आपको पिछली क्लास में बताया था क्या करते हैं, कि एक्स का पहले 1 मान लेकर चेक करते हैं कि इस बहुपद का मान किस पे 0 होता है। 1 पे अगर नहीं होता तो -1x बराबर रखकर, तो इस प्रकार अगर हम इसमें बच्चों x की जगह पे x=2 रखेंगे तो इस बहुपद का मान 0 हो जाएगा। चलिए आइए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो बच्चों बहुपद क्या है, देखिए बहुपद है आपका x³ - 3x² + 3x - 2। अभी हम x बराबर जो है इसमें 2 रखते हैं, तो देखिए 2³ हो जाएगा, 2 × 4 × 8 -2² यानी 4 × 3 यानी कि 12, 2 × 4 = 12 हो गया, +6 और -2, ठीक है बच्चों। अभी देखिए ये इसको और इसको ऐड कर लेते हैं, प्लस वाले को 8 × 6 = 14 और माइनस वाले को कर लेते हैं तो ये 0 हो गया। इसका मतलब कि x-2 जो है हमारा एक गुणनखंड हो जाएगा इस बहुपद का, ठीक है, x-2 इसका एक गुणनखंड हो जाएगा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, देखिए कि हम लोग करेंगे क्या, कि इसको एक घात कम करके लिख देंगे और x-2 ऐसे लिखेंगे। अभी ये कैसे करते हैं ये पिछली क्लास में भी मैंने आपको समझाया, फिर से बता देता हूँ। तो ठीक है, x-2 और x, देखिए अब इसका जब अंदर गुणा करेंगे तो बच्चों ये x³ तो आ जाएगा, लेकिन -2x² हमारे पास एक्स्ट्रा आ जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे +2x² लिख देंगे, और ये -3x² + 3x और -2 इसको तो हम लोग एज इट इज लिख देंगे बच्चों, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या था बच्चों हमारा, -3x² + 2x था ना, 2x नहीं 3x था बच्चों, 3x, ठीक है, 3x और ये -2, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए 2x² - 3x² कर देंगे तो 2
माइनस थ्री तो माइनस वन आता है, तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया प्लस थ्री एक्स और माइनस टू, और ये तो एज इट इज ऐसे लिख देंगे बच्चों, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सेम वही, ये तो सेम ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ पे एक घात कम करके बच्चों, यहाँ पे भी एक्स माइनस टू लाएंगे, मतलब एक्स एक्स माइनस टू। अभी देखिए एक्स का इसमें गुणा करेंगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर तो हमें मिल जाएगा, लेकिन जो है माइनस एक्स इंटू माइनस टू जो कि प्लस टू एक्स आता है, तो हमें प्लस टू एक्स एक्स्ट्रा मिल गया, जिससे कि हम माइनस करना पड़ेगा हमें, तो हम इसको माइनस कर देंगे। फिर प्लस थ्री एक्स और माइनस टू को ऐसे ही लिख देंगे। अभी देखिए माइनस टू एक्स प्लस थ्री एक्स कितना हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स एक्स आ जाएगा बच्चों, और ये माइनस टू तो ऑलरेडी है ही, ठीक है, माइनस टू ऑलरेडी है ही बच्चों वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, देखिए प्लस जो है एक्स माइनस टू आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, देखिए यहाँ ये पद देखिए, ये वाला पद और ये वाला पद और ये इन तीनों पदों में से अगर हम एक्स माइनस टू को कॉमन ले लेते हैं तो हमारा अंदर बचता है, देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर, यहाँ से माइनस है और ये प्लस वन बचता है। तो अभी ये जो एक्स माइनस टू है इस एक्स माइनस टू से डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा जी एक्स बराबर बन जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमसे पूछा है कि जी एक्स का मान क्या होगा, तो इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। आप लोगों को आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा, जहाँ भी आप लोगों को दिक्कत हो रही है आप लोग तुरंत हमें कमेंट करके बताएं, जिससे कि हम लोग आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें बच्चों, ठीक है। और आपको पूरे एक्सप्लेन करके एक एक बात को बताया जा रहा है बच्चों, ठीक है। अपनी हम लोग अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ी जा रही है, फिर भी अगर आप लोगों को कहीं भी दिक्कत होती है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके हमें बताइए, जिससे कि आप लोगों के प्रॉब्लम का सलूशन दिया जा सके, ठीक है। आइए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर बच्चों, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बच्चों, कि क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में कि यदि बहुपद, एक बहुपद दिया हुआ है को एक अन्य बहुपद इतने से भाग दिया जाता है तो शेषफल इतना आता है, तो k और a का मान ज्ञात कीजिए बच्चों, ठीक है। k और a का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी बच्चों सबसे पहले हम लोग यही करेंगे कि जो शेषफल आ रहा है ना बच्चों, शेष इसमें लिखा हुआ है कि शेषफल कितना आ रहा है, तो उस देखिए अब क्या करेंगे कि मान लीजिए एक संख्या हमारे पास है 7, इसको अगर हम 2 से भाग करते हैं बच्चों तो 2 3 6 होता है, लेकिन एक शेष फल बच जाता है। अगर इस शेष फल को इसमें से घटा देते हैं, मतलब 7 - 1 कर देते हैं तो 6 आ जाता है। और ये देखिए अब 6 में 2 से पूरी तरीके से भाग चला जाएगा और हमारा शेष फल 0 बच जाएगा बच्चों। इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं कि इसमें जो शेष फल बच रहा है ना, इसमें जो शेषफल एक्स प्लस ए, देखिए एक्स प्लस ए जो क्वेश्चन में कह रहा है शेषफल बच रहा है, उसको हम दिए हुए बहुपद में से माइनस कर देते हैं बच्चों, ठीक है। आइए माइनस करके देखते हैं कि क्या आता है, ठीक है। दिए हुए बहुपद में से उससे जो शेषफल है उसको माइनस कर देते हैं, तो देखते हैं क्या आता है। तो बहुपद हमारा क्या दिया हुआ है बच्चों, बहुपद हमारा दिया हुआ है एक्स की पावर 4 - 6x³ + 16x² - 25x + 10, ठीक है। तो इसमें से हमें माइनस क्या करना है, शेषफल, शेषफल माइनस एक्स माइनस ए, तो हमारा बहुपद क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 4 - 6x³ + 16x² अभी -25x - x हो जाएगा -26x + 10 और माइनस ए, ठीक है बच्चों। ये हमारा बहुपद माइनस करने के बाद आ गया, इसका मतलब जो हमारा भाजक था अब उस इसको पूरी तरीके से विभाजित कर देगा, भाजक मतलब एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस के जो है इस बहुपद को पूरी तरीके से विभाजित कर देगा बच्चों, ठीक है। विभाजित कर देगा, चलिए अब देते हैं भाग देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा हो गया,
यहाँ पे हमारा ये भाजक ये हमने लिख दिया वो बहुपद। सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर बार लेकर जाते हैं, तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा इसका जब मल्टीप्लाई इसमें करेंगे एक्स की पावर 4 माइनस 2x³ और फिर प्लस kx² जब इसको घटाएंगे बच्चों, तो ये यहाँ पे प्लस साइन था माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा बच्चों। तो ये देखिए ये प्लस ये माइनस इससे कैंसिल हो गया बच्चों, ठीक है। अब क्या बचा, माइनस 6x³ और प्लस 2x³, तो ये माइनस 6 में से प्लस 2 घट जाएगा बच्चों, तो माइनस 4x³ बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये 16x² है, 16x² और इसमें माइनस kx² हो रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 16 माइनस के ब्रैकेट में और x² को बाहर, तो यही चीज़ यहाँ पे किया गया है बच्चों। और माइनस 26x सेम और प्लस 10 माइनस ए, ठीक है बच्चों। अब अगली बार किससे भाग ले जाएंगे, कितनी बार ले जाएंगे बच्चों, तो देखिए माइनस अगर 4x बार लेकर जाते हैं तो यहाँ पे आता है माइनस 4x³, ये देखिए प्लस 8x² आ जाएगा माइनस 4kx। फिर यहाँ पे देखिए ये माइनस है तो अगर हम घटाएंगे जब माइनस के इसमें गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा ये, ठीक है, और यहाँ पे प्लस आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इसको देखिए अब माइनस कर देते हैं तो फिर से ये कट जाएगा और हमारा बचेगा क्या बच्चों, देखिए अभी हमारे पास तो 16 माइनस के एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है और यहाँ पे एक और आ रहा है माइनस 8x², तो जब भी ये एक्स स्क्वायर का अंदर गुणा करेंगे तो 16x² माइनस के एक्स स्क्वायर आएगा माइनस 8x², ठीक है। अभी 16 में से 8x² घट जाएगा तो 8x² ही तो बचेगा बच्चों, ठीक है। तो इसको तो लिख सकते हैं ना 8 माइनस kx² यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है बच्चों, ठीक है। और सेम चीज़ एक्स के साथ भी करी गई है बच्चों की 4k और माइनस 26x से, और ये चीज़ सेम ऐसे लिखी गई है। अगली बार 8 माइनस k के साथ लेकर जाएंगे भाग बच्चों, ठीक है। 8 माइनस k के साथ लेकर जाने पर देखिए क्या होता है, तो ये देखिए जब भी यहाँ पे भी ये चीज़ तो कैंसिल हो जाएगी क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है तो कट गया, और हमारा बचता क्या है कि 2k-10x प्लस 10-a-8k प्लस k² बच्चों, ये हमारा बच जाता है बच्चों शेषफल। लेकिन अभी हमने क्या देखा था कि जब हमने भाज्य में से शेषफल को घटा दिया था तो इसका तो बच्चों शेषफल बचना नहीं चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ कि शेषफल जो है हमारे भाजक से, जो लास्ट में शेषफल बचा है वो भाजक से पूरी पूरी डिवाइड होना चाहिए या तो जीरो हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो इसको हम लोग जीरो के इक्वल लिख देंगे शेषफल, मतलब शेषफल तो हमारा बचना चाहिए नहीं था, शेषफल तो जीरो होनी चाहिए थी ना बच्चों, तो शेषफल इसमें जीरो हुआ नहीं देखिए, तो उसको हम लोग जीरो लिखेंगे। अभी देखिए शेषफल को अगर जीरो हम लोग लिख देते हैं बच्चों, तो अभी इसमें देखिए दो पार्ट है, इतना प्लस इतना, ठीक है। 2k-10x प्लस 10-a-8k प्लस k² है। अभी बच्चों ये देखिए दो संख्या का जोड़ है जो कि जीरो है, तो इसका मतलब ये कब पॉसिबल हो सकता है, जब ये दोनों संख्याएं अलग अलग जीरो हों, जैसे ये पार्ट और ये पार्ट दोनों अलग अलग जीरो होंगी तभी ये जीरो होना पॉसिबल हो सकता है, नहीं तो नहीं। तो आइए पहले इस पहले पार्ट को जीरो के बराबर करके देखते हैं, तो पहले पार्ट को जब जीरो के बराबर करेंगे बच्चों तो 2k-10=0, तो यहाँ पे जब 2k-10=0 करा हमने तो 2k और 10 को उस साइड ले जाएंगे तो 2k = 10 आ गया, तो k = 10/2 = 5 आ गया, ठीक है बच्चों। अब देखिए k = 5 आ गया, ठीक है, तो 10-a-8k प्लस k² = 0। अभी दूसरे पार्ट को करते हैं, अब यहाँ पे k = 5 को हम लोग रख देते हैं, तो देखिए 10 तो ऐसे ही है माइनस है ऐसे ही है, k = 5 रखा तो 5 × 8 = 40 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस k² मतलब 5 का स्क्वायर 25 हो गया बच्चों, ठीक है। तो माइनस ए और ये देखिए 10 को 40 - 40 + 10 - 30 आ जाएगा और ये 25 है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, इसके बाद का स्टेप बता देता हूँ, तो माइनस ए और ये -5 हो जाएगा बराबर 0, या -a = 5 या a = -5, ये हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, k की वैल्यू 5
और a की वैल्यू माइनस फाइव आ जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें क्या है बच्चों कि एक बहुपद का जो है दो शून्यक दिया हुआ है, तो इसके बाकी के शून्यक बताने हैं। तो ये जो बहुपद इसमें दिया हुआ है ये चार घात का बहुपद है, चार घात का बहुपद है, इसका मतलब इसके चार शून्यक होने वाले हैं बच्चों। ठीक है, चार शून्यक, तो उसी को हमें फाइंड आउट करना है, उसी को निकालना है बच्चों। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। तो उसी को निकालना है बच्चों। ठीक है, देखिए तो इसमें इसका दो घात तो ये दिया हुआ है बच्चों। ठीक है, दो घात ये, अरे दो शून्य को दे दिया है और बाकी के दो हमें निकालना है। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे होगा। तो देखिए दो शून्य का अगर दिया हुआ है बच्चों, तो शून्य क्या होता है कि उस वो जो एक्स की वैल्यू जो है, एक्स इक्वल टू अगर हम उतना लिख देते हैं तो वो जो हमारा एक्स बहुपद होगा उसका मान जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार शून्य से हमें गुणनखंड देखिए कैसे हो जाएगा कि एक्स बराबर हमने क्या उसमें रखा है कि अंडर रूट फाइव बाई थ्री, तो एक्स माइनस अंडर रूट फाइव बाई थ्री बराबर जीरो, ये इसका एक गुणनखंड हो जाएगा। ऐसे ही एक्स प्लस अंडर रूट फाइव बाई थ्री, ये दूसरा गुणनखंड हो जाएगा बच्चों। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, तो इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे बच्चों, जो कि जीरो के बराबर होगा। तो ये हमारा देखिए, ये हमारा क्या बन गया कि ए प्लस बी, एक मिनट बच्चों, देखिए ये हमारा बन गया ए प्लस बी एक कोष्टक में और ए माइनस बी एक कोष्टक में बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया बच्चों। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सेम इसमें कर देंगे, तो ए स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर और अंडर रूट फाइव बाई थ्री का स्क्वायर फाइव बाई थ्री हो गया। ये एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर देंगे बच्चों, तो हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करने वाले हैं बच्चों कि देखिए इससे जो हमारा बहुपद है उसमें भाग लगाने वाले हैं बच्चों। तो देखिए ये हमारा बहुपद दिया हुआ है, इसमें हम लोग भाग लगाएंगे। ठीक है, तो पहले एक्स स्क्वायर बार ले जाएंगे। आपको अब भाग तो हमने सिखा ही दिया है कि कैसे करना है, तो फिर टू एक्स बार ले जाएंगे बच्चों। तो ये लास्ट जब हम वन के बार ले जाएंगे तो यहाँ पे हमारा शेषफल जो है जीरो आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो हम अब इस भागफल का गुणनखंड निकालेंगे बच्चों, जो भागफल आता है ऐसे ही तो हम करते थे शून्य निकालने के लिए। तो इसका गुणनखंड देखिए कर देते हैं, तो इसका गुणनखंड आ जाता है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बराबर जीरो। तो यहाँ पे इसके दो और शून्य आ जाते हैं, माइनस वन माइनस वन, और पहले से तो दो शून्य दिए हुए हैं अंडर रूट फाइव बाई थ्री और माइनस अंडर रूट फाइव बाई थ्री, ये दो शून्य तो पहले से ही दिए हुए हैं, और माइनस वन और माइनस वन और अलग से जुड़ जाएंगे इसमें। ठीक है बच्चों, माइनस वन और माइनस वन, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर बच्चों। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके चार कौन कौन से शून्य आ गए बच्चों, ये देखिए ये आ गया चार कौन कौन से, फाइव बाई थ्री, फाइव बाई थ्री माइनस माइनस वन एंड वन, ये चारों इसके आ गए इस दिए गए जो बहुपद के शून्य हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है बच्चों कि एक बहुपद दिया हुआ है जिसको x माइनस थ्री से जो है भाग देने पर शेषफल 21 प्राप्त होता है। तो k का मान और भागफल ज्ञात कीजिए तथा त्रिघात बहुपद के शून्य को भी ज्ञात कीजिए। अभी इसमें देखिए ये फॉर्मूला, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल लगाते हैं। तो इसमें भाज्य ये है और भाजक, और ये भागफल तो दिया नहीं है, शेषफल दिया है। अभी शेषफल को हम लोग माइनस कर लेते हैं बच्चों इसमें से, ताकि ये हमारे भाजक से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। अभी देखिए क्या हो गया, जब ये हमने शेषफल को इस साइड लेकर अपने भाज्य से माइनस कर लिया, देखिए माइनस कर लिया, तो हमारा यहाँ पे शेषफल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो अभी हमने पीछे पढ़ा था कि अगर शेषफल शून्य हो जाता है तो जो इसका भाजक होता है वो उस बहुपद का एक गुणनखंड बन जाता है। इसका मतलब कि ये इसका एक गुणनखंड बन जाएगा बच्चों। ठीक है, तो x माइनस थ्री जो है इसका एक गुणनखंड हो जाएगा। तो अतः x बराबर थ्री रखने पर इस बहुपद का मान शून्य हो जाएगा। तो x बराबर थ्री इस बहुपद में हम लोग रख देंगे बच्चों। ठीक है, तो देखिए थ्री किस बहुपद में रखेंगे, एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स
माइनस 18 बराबर 0 में एक्स बराबर 3 रखने पर, ठीक है, ये रख देंगे इसमें। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा बच्चों कि एक्स क्यूब मतलब कि 3 × 3 = 27 हो गया, और ये 3 × 9 = 18 और ये 3 × k − 18 इस प्रकार से इसको कैलकुलेट करेंगे तो k बराबर -9 आ जाएगा बच्चों। अभी इसमें इस त्रिघात बहुपद का शून्यक भी पूछा है k के मान निकालने के बाद, ठीक है बच्चों। तो आइए निकालते हैं, जब k का मान -9 इस त्रिघात बहुपद में रखेंगे तो ये आ जाएगा। और हमें पहले से देखिए, अब इसमें जो है x बराबर 3 रखने पर इसका मान शून्य हो जाता है, अतः x माइनस 3 इसका एक गुणनखंड हो जाएगा। तो x माइनस 3 से इसमें भाग लगाएंगे बच्चों, ठीक है। भाग लगाने की विधि आप लोगों को पता है, पहले एक्स स्क्वायर बार ले जाएंगे ये तो ये आएगा, फिर एक्स 5x बार ले जाएंगे तो ये आ जाएगा, फिर 6 बार ले जाएंगे तो इसका शेषफल 0। तो इसका अगर हम गुणनखंड निकाल देते हैं तो इसके और शून्य आ जाएंगे, तो इसका गुणनखंड निकालेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा। तो इसका जो है एक शून्य के एक तो ये था ही, तो हमारा शून्य क्या आ जाएगा, एक्स बराबर -2, एक्स बराबर -3 और एक्स बराबर 3, ये तीनों इस बहुपद के शून्य हो जाएंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। तो आशा करता हूँ आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आए हैं तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, आपकी समस्या को हल किया जाएगा बच्चों जो, ठीक है। और अब मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद बच्चों।